जब भी आप किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी की कल्पना करते हैं कि वो कैसा होगा, तो उसका जवाब सऊदी अरेबिया ने बड़े अच्छे से दिया है। जो आप अभी देख रहे हैं वो है सऊदी अरेबिया का फ्लोटिंग सिटी ऑक्सागोन। ऑक्सागोन के दो पार्ट हैं, एक एरिया जमीन पर और दूसरा समुद्र में तैरता हुआ स्ट्रक्चर। दोनों मिलाकर 8 साइड वाला एक ऑक्टोगोनल शहर बनाते हैं। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की घोषणा नवंबर 2021 में की गई थी और वर्तमान में यह स्टार्टिंग फेज में है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया इस तरह का शहर आखिरकार बना क्यों रहा है? जानते हैं आज के वीडियो में कि सऊदी अरेबिया के क्या ड्रीम है इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर, या ये बस पैसे की बर्बादी है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑक्सागोन नॉर्थ ईस्ट सऊदी अरेबिया के नियोम प्रोजेक्ट का एक सबसे जरूरी हिस्सा है। कम आबादी वाले इस एरिया का लक्ष्य देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखना है। सऊदी में सबसे ज्यादा पैसा ऑयल रेवेन्यू से आता है, पर अब सऊदी ऑयल रेवेन्यू को फ्यूचर प्रोजेक्ट में लगा रहा है ताकि इंटरनेशनल कंपनियों को अट्रैक्ट कर सके, जिसका लक्ष्य है कि सऊदी अब केवल ऑयल के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता। नियोम में करंट में 3 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें 170 किलोमीटर लंबी लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी, जिसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, प्रोजेना द विंटर डेस्टिनेशन जो नियोम के माउंटेन रीजन पर बन रहा है, और ऑक्सागोन जो कि सऊदी का इंडस्ट्रियल पावर हाउस होने वाला है। जानते हैं यह भविष्य का शहर काम कैसे करता है। जब बात ऑक्सागोन की आती है, जिसमें जमीन पर शहर और समुद्र में तैरने वाले हिस्से को एक वाटरवे अलग करता है, जहां से कंटेनर शिप शहर के पोर्ट तक पहुंचने के लिए प्रवेश कर सकते हैं, जो इस एरिया को एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर बनाता है, जहां से माल को शिप से सीधे कारखाने तक कम दूरी में पहुंचाया जा सकता है, जिससे सप्लाई चेन के समय को बहुत कम किया जा सकता है। प्रोजेक्ट प्लानर को स्वेज कैनाल के इसके पास होने से भी लाभ होने की उम्मीद है, जिसके माध्यम से लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। इसलिए ऑक्सागोन को स्वेज कैनाल के पास बनाया जा रहा है, जो पहले से ही एक प्रमुख ग्लोबल ट्रेड रूट है। ऑक्सागोन का समुद्र वाला हिस्सा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होने वाला है, और सऊदी सरकार के अनुसार ये न केवल एक इंडस्ट्रियल सेंटर होगा, बल्कि घरों, बिल्डिंग और यहाँ तक कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ एक पूरा मॉडर्न शहर बन जाएगा, साथ ही जिसमें उद्योग के लिए सऊदी कुछ एडवांस कंपनियों को अट्रैक्ट करना चाहता है, जो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेंगी और जिसमें शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इससे पहले भी सऊदी कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, जिसमें शामिल हैं ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रोडक्शन और डीसेलिनेशन प्लांट बनाने वाली कंपनियां। लेकिन इन सभी पार्टनरशिप के अलावा भी जब शहर को देखते हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह अभी भी एक विजन ही है, एक मॉडल शहर जो पूरा होने के बाद निश्चित रूप से थोड़ा अलग हो सकता है, पर फिर भी सऊदी इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, चाहे वीडियो के जरिए हो या स्पोर्ट्स और इवेंट्स को स्पॉन्सर करके। ये फ्लोटिंग सिटी एक मॉडल सिटी होने वाली है आने वाले फ्यूचर की, जिससे हम कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य की सिटी और इंडस्ट्री कैसी दिखती होंगी। और पानी में शहर बनाना किसी साईफाई मूवी से हटकर असल जिंदगी में भी संभव है। इसका आइडिया ये है कि कैसे प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए मानव सभ्यता को समुद्र में बसाया जाए। यहाँ एक समुद्र विज्ञान संस्थान की भी घोषणा की गई है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के मामले में समुद्री अनुसंधान का एक प्रमुख इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। वैसे ये देखना अभी बाकी है कि तैरने वाले स्ट्रक्चर को वास्तव में कैसे बनाया जाएगा और तूफानों के खिलाफ क्या उपाय किए जाएंगे। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि वास्तव में टिकाऊ होने के साथ स्टेबल रखने पर कितना ध्यान दिया जाएगा। क्या फ्लोटिंग सिटी वास्तव में मनुष्यों और प्रकृति के बीच बैलेंस बना सकता है? साथ ही क्या ये रेड सी की ताकतवर समुद्री लहरों से फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को बचाने में सक्षम होगा, और बंजर रेगिस्तान में बनने के कारण कितना टिकाऊ साबित होगा? ये सभी सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। वास्तव में ये फ्लोटिंग सिटी और पूरा नियोम प्रोजेक्ट सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है।
सऊदी किंग ने मोहम्मद बिन सलमान को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया और वहां से मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी शक्ति का विस्तार करना जारी रखा और उन्हें देश के अगले किंग के रूप में माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि नियोम और ऑक्सागोन जैसे 500 बिलियन डॉलर के इंप्रेसिव प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा आता कहां से है? तो उसका जवाब है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड या PIF। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी की सबसे बड़ी संस्था है जिसे सऊदी सरकार ऑयल रेवेन्यू से फंड करती है, जिसमें शामिल है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरेमको, जिसका सऊदी के ऑयल पर एकाधिकार है, साथ ही सरकार के बजट में सबसे बड़ा योगदान देती है। PIF को मिलने वाले रेवेन्यू में भी सऊदी अरेमको ही इन्वेस्ट करती है, जो निजी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करता है, जिसमें से कई विदेशी कंपनियां हैं। फरवरी 2022 में क्राउन प्रिंस ने एक बदलाव की घोषणा की जिसने PIF को और भी मजबूत कर दिया, जिसमें सऊदी अरेमको के पूरे 4% शेयर को PIF में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे अब इस संस्था के पास कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए स्थायी नियमित रेवेन्यू है। पर आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑक्सागोन से क्या लेना देना है, पर यही PIF फंड है जिसका उपयोग मोहम्मद बिन सलमान इस नियोजित शहर को बनाने के लिए कर रहे हैं। और ऑक्सागोन जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी में आयोजित किया जाता है जिसका स्वामित्व PIF के पास है। वैसे नियोम प्रोजेक्ट अभी अपने स्टार्टिंग फेस में है जो लगभग 2030 तक बन जाएगा। ये देखना मजेदार होगा कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है।